अरब सागर में उठा साइक्लोन बिबरजोए गुजरात के बाद राजस्थान को छू चुका है। अलर्ट है कि इस तूफान के कारण अगले 3 दिन में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। पहले फोरकास्ट तो ये था कि बिबरजोए राजस्थान में एंट्री के बाद कमजोर पड़ेगा, लेकिन ये साइक्लोन अब बार बार अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिबरजोए के 2 सर्कुलेशन सिस्टम बन गए हैं, इस वजह से पंजाब तक इसका असर देखा जा रहा है। बिबरजोए के कारण अमृतसर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज हवाएं चल रही है और फ्लाइट्स को वहां डाइवर्ट करना पड़ा है। अब अलर्ट है कि जयपुर में अगले 3 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है, इसीलिए वहां 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और चूरू समेत कई जिलों पर इसका असर दिखेगा। बिबरजोए साइक्लोन कैसे उठा, अभी तक इसके कारण क्या क्या तबाही हुई, इसका स्टेटस क्या है और ये शांत कब होगा, इन सवालों का जवाब तो हम जानेंगे ही। लेकिन एक बात यहाँ आपके मन में आ रही होगी कि ये तूफान तो गुजरात में असर दिखा रहा है, लेकिन इसका नाम बंगाली कैसे? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका नाम बंगाली इसलिए है क्योंकि इस तूफान का नाम रखा है बांग्लादेश ने। इतना तो आप जानते होंगे कि विश्व मौसम विज्ञान नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स साइक्लोन को नाम देते हैं। हर एक की बारी अलग अलग बार आती है, इस बार बारी थी बांग्लादेश की, तो उन्होंने बांग्ला भाषा में इसका नाम बिबरजोए रखा जिसका मतलब होता है आपदा या महाविनाश, इंग्लिश में बोले तो डिजास्टर। साइक्लोन को ये नाम कंफ्यूजन से बचने के लिए दिया जाता है क्योंकि एक ही वक्त पर 2 साइक्लोन भी आ सकते हैं। हर एक का प्रिडिक्शन सटीक हो और कौन से साइक्लोन को लेकर बात हो रही है इसका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए इनके अलग अलग नाम रखे जाते हैं। बिबरजोए का अलर्ट तो गुजरात, केरल और महाराष्ट्र के लिए था, लेकिन इसने सबसे ज्यादा हिट गुजरात को किया है। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट ने इसका सटीक फोरकास्ट पहले ही कर दिया था, इसीलिए गुजरात के कच्छ, द्वारिका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और मोरबी जैसे डिस्ट्रिक्ट को पहले ही हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। 15 जून की रात को साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ, यानी कि ये गुजरात के तट से टकराया। तूफान का लैंडफॉल इतना खतरनाक था कि कच्छ के विधायक प्रद्युमन सिंह जडेजा तो माला जपने लगे। उनके समर्थकों ने कहा कि जब तक तूफान थम नहीं जाएगा विधायक प्रार्थना करते रहेंगे। उधर तूफान के टकराने के साथ ही तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश होने लगी, कई घरों के परखचे उड़ गए, सैकड़ों की तादाद में पेड़ उखड़ गए, समंदर किनारे बने घरों में और गांवों में पानी भर गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तटीय इलाकों में 115 से लेकर 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस तूफान के कारण गुजरात के 900 गांवों की बिजली गुल है, क्योंकि गुजरात सरकार और एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही अलर्ट थी, इसीलिए भारी तबाही को रोकने में सरकार काफी हद तक कामयाब भी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि समंदर किनारे रहने वाले 94,000 लोगों और मछुआरों को पहले ही शेल्टर हाउसेस में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी 2 लोगों की जान जाने और 22 लोगों के घायल होने की खबर है। बिबरजोए के असर को देखते हुए ट्रेनों और फ्लाइट्स के रूट्स को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। अहमदाबाद के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिए गए, साबरमती रिवर फ्रंट और अटल ब्रिज को बंद कर दिया गया, द्वारिकाधीश मंदिर और सोमनाथ मंदिर के पट भी बंद हैं और इन मंदिरों पर पताका भी नहीं चढ़ाई गई। अब ये तूफान आगे राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है और सबसे पहले यानी कि 16 जून को ये बाड़मेर और जालौर को हिट करेगा। इसका असर जोधपुर, नागौर और सीकर तक रहेगा और इन जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। 17 जून तक बीकानेर, चूरू, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, नागौर, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर और दौसा में बारिश होगी और तेज हवाएं चलेगी। बिबरजोए के कारण राजस्थान के 5 जिलों को रेड अलर्ट और 13 जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि इस तूफान का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची पर भी दिखेगा। वहां भी तूफान के कारण तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है।
बिपरजॉय 2023 का गुजरात का पहला और मौका के बाद देश का दूसरा साइक्लोन है। इससे पहले 2019 में अरब सागर में महा, वायु, हिक्का और क्यार जैसे तूफान आए थे। वायु तूफान का असर तो 8 दिनों तक रहा था और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बिपरजॉय का असर 10 दिनों तक रहेगा। हालांकि सरकार और एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही अलर्ट थी, इसीलिए लोगों की जान तो बच गई है, लेकिन कोस्टल प्रॉपर्टी को कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा तूफान के शांत होने के बाद ही लगाया जा सकेगा। खैर, बिपरजॉय का आपके इलाके पर क्या असर दिख रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के दूसरे करंट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को याद से लाइक करते जाइएगा।